जय श्री राम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। और लेके आ चुका हूँ आपके लिए फाइनली फुलेरा से लेकर गोविंदी मारवाड़ तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। इस वीडियो की डिमांड काफ़ी टाइम से चल रही है चैनल पे, और इस रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट तो वैसे खैर मैं मंथली लाता हूँ, पिछले मंथ नहीं आ पाई क्योंकि अभी जो है एक महीने पहले सारी ट्रेनें जो है कैंसिल चल रही थी, डाइवर्ट चल रही थी नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य की वजह से। पर मेरा इस महीने का प्लान थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं इसी के साथ में जा रहा हूँ फलोदी जैसलमेर रूट पे। फलोदी जैसलमेर रूट की भी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट साथ में मैं लेके आऊँगा। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन निकल रही है फुलेरा जंक्शन से, मुड़ जाएंगे हम जोधपुर की साइड। ये वीडियो भी मैं बैठ के अभी फिलहाल फलोदी जंक्शन पे एडिट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं पकड़ने वाला हूँ शालीमार एक्सप्रेस, जाऊँगा जैसलमेर तक, और जैसलमेर से वापस शालीमार एक्सप्रेस में ही आऊँगा जो कि 1 फरवरी से यानी आज के ही दिन आखिरी बार चलाई जाएगी जैसलमेर से। तो जैसलमेर से उसका आखिरी सफर मैं करने जा रहा हूँ। फिलहाल अभी यहाँ की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो फुलेरा से गोविंदी मारवाड़ तक तो जो है अभी रूट डबल हो ही चुका है, डबल लाइन पर ट्रेनें चली रही हैं, तो इसलिए यहाँ की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट अपन देख लेते हैं। उसके बाद गोविंदी मारवाड़ से लेकर नावा सिटी जो कि 9 किलोमीटर का सेक्शन छोड़ दिया है बीच में, उसकी डबलिंग अपडेट देखेंगे। उसके बाद जो है नावा सिटी से कुचामन सिटी के बीच में अगले महीने नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। फरवरी में सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी 5 फरवरी के बाद से 21-22 फरवरी तक। तो अगले महीने के एंड से नावा सिटी कुचामन सिटी के बीच में भी डबल लाइन पर ट्रेनें चालू हो जाएंगी। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा गोविंदी मारवाड़ नावा डबलिंग अपडेट, और साथ ही में जो पुरानी वाली लाइन बिछी हुई थी उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मकराना से लेकर पूरा फुलेरा तक। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे जो खंभे हैं वो आके खत्म हो चुके हैं और आगे जाके वायरिंग भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या और इम्प्रूवमेंट हुआ है इस नई वाली लाइन पे, क्योंकि पुरानी वाली लाइन पे तो काफ़ी समय हो चुका है खंभे लगाए, पर नई वाली लाइन पे जब से ट्रेनें चालू हुई है चलना तब से देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट किया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन में। फिलहाल फुलेरा जंक्शन की साइड से आने वाले खंभे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और सामने जो आपको ऊपर रोड वाला ब्रिज दिखाई दे रहा है उस ब्रिज के नीचे से यहाँ पे फाउंडेशन बनाने चालू कर दिए गए हैं, जिसमें जो है खंभे लगाए जाएंगे। आप देख सकते हो कॉन्क्रीट का फाउंडेशन बनाने के लिए यहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और साथ ही में यहाँ वर्कर्स के द्वारा कुछ फाउंडेशन बना भी दिए गए हैं, ये देख सकते हो बिल्कुल ताज़ा फाउंडेशन बना दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ भी फाउंडेशन बनाने का ही कार्य किया जा रहा है। इसके बाद के सारे फाउंडेशन बन चुके हैं और फाउंडेशन में खंभे भी लाके डाल दिए गए हैं। अब ये OHE खंभे आपको टेढ़े नजर आ रहे होंगे शुरुआती, क्योंकि इनको केवल अभी डाला है, सीमेंट भर के सेट नहीं किया गया है। इसके बाद के जो आप ये खंभे देख रहे हो ना, इनमें इसको कॉन्क्रीट डाल के सेट कर दिया गया है खंभा को बिल्कुल सीधा, और उसके बाद खंभों पर HTBT यानी स्टे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स लगा दी गई है वायरिंग करने के लिए। यहाँ बीच बीच में कुछ खंभे आपने टेढ़े देखे होंगे जिनको अभी कंक्रीट डाल के सीधा सेट करना बाकी है फाउंडेशन के अंदर, लेकिन फिलहाल आगे आ चुका है ये सामर लेक स्टेशन का होम सिग्नल, और यहाँ पे आके भी अभी जो है खंभों को नीचे केवल डाल के रख दिया गया है फाउंडेशन में, इनको सेट करना बाकी है। अब देख लेते हैं जो सामर लेक का स्टेशन है ना उसके प्लेटफॉर्म और आउटर में कितना काम किया गया है खंभे डालने का। अब यहाँ आउटर और प्लेटफॉर्म वाली जगह आप देख सकते हो कि दोनों ही साइड राइट और लेफ्ट साइड ये बड़े वाले खंभे लगा दिए गए हैं। इनके ऊपर बीच में एक ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला बूम रखा जाएगा, बूम के ऊपर HTBT लगा के वायरिंग की जाएगी। तो यहाँ पे लाके इनको फाउंडेशन में डाल दिया गया है, हालांकि ये भी अभी टेढ़े मेढ़े हैं, इनको सीमेंट भर के सेट करना बाकी है। प्लेटफॉर्म पे भी पूरी तरीके से इन वाले खंभों को भी डाल दिया गया है, लेकिन खंभे डालने में ही थोड़ा तीखा काम होता है क्योंकि उसके लिए पूरा एक ब्लॉक लेना पड़ता है। एक इंजन के साथ 2-3 डिब्बों की ट्रेन चलती है जिसके ऊपर क्रेन मशीन लगी हुई रहती है, वो डालने का काम करती है। सीमेंट सेट करने का काम तो वर्कर्स भी खुद कर देते हैं। यहाँ दोनों ही साइड आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म, और इधर की साइड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर पोल्स लगा दिए गए हैं बड़े वाले। और अब देख लेते हैं सामर लेक जो झील है, पूरी झील वाला इलाका है उसमें डबलिंग तो हो चुकी है, डबल लाइन पे ट्रेनें भी चल रही हैं, पर इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या स्थिति है वहाँ पे। फिलहाल इस वाले आउटर में भी खंभे लगा दिए गए हैं, और जहाँ खंभे नहीं लगाए गए हैं ना तो वह फाउंडेशन तो ज़रूर बना दिए गए हैं जो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। पर मैं आपको एक बार वापस बता दूँ कि ये अपडेट मैं केवल नई वाली लाइन की दे रहा हूँ जो कि अभी डबलिंग के बाद बिछाई गई है। पुरानी वाली लाइन की अपडेट मैं पूरी मकराना से लेकर आपको फुलेरा तक दूंगा, वहाँ पर सामर झील में ऑलरेडी खंभे लगा दिए गए हैं। तो यहाँ स्टेशन के जस्ट निकलते ही तो आप यहाँ देख सकते हो केवल यहाँ पे एक ही फाउंडेशन बनाया गया था, उसके बाद आपको फाउंडेशन नहीं दिख रहे होंगे, या कुछ दूरी तक आगे ये सिग्नल दिख रहा है वहाँ तक।
लेकिन इस सिग्नल के बाद से जो है कंटिन्यू फाउंडेशन बना दिए गए हैं और कुछ फाउंडेशन के बाद जो है आगे पोल्स भी डाल दिए गए हैं, जो कि वीडियो में आप आगे देखने वाले हो। वीडियो बिल्कुल अनकट है, बहुत कम कट दिए हैं मैंने इस वीडियो में। पूरी फुलेरा से लेकर गोविंदी मारवाड़ तक की कंटिन्यू वीडियो की पूरी कोशिश की है मैंने कि कंटिन्यू वीडियो बनाऊं। यहाँ आप नीचे देख सकते हो फाउंडेशन है और कुछ दूरी बाद आपको यहाँ खंबे भी लगे हुए नजर आ जाएंगे और कुछ कुछ खंबों पे HTBT यानी स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स भी लगा दी गई है वायरिंग करने के लिए। अब यहाँ तक के फाउंडेशन बना दिए गए थे, पर यहाँ बीच में लगभग 100-150 मीटर के अंदर फाउंडेशन बनाए नहीं गए हैं। 100-150 भी क्या कमी होगा, पर अब डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं, डायरेक्ट पोल्स लगे हुए स्टार्ट होंगे आगे। यहाँ हमारी ट्रेन अभी कर्व ले रही है और कर्व लेते टाइम आप हमारी पुरानी वाली लाइन पे भी देख रहे होंगे, वहाँ पे भी खंबे लग चुके हैं, HTBT लग चुकी है, जिसकी अपडेट मैं आते वक्त दूंगा जब शालीमार से वापस आऊँगा, और वो अपडेट जो है चैनल पे कल रात लगभग 8-8:30 बजे के बीच आ जाएगी। सामर लेक के बाद अब आ जाती है बारी गुड़ा स्टेशन की। तो गुड़ा स्टेशन तक जो है पूरी झील में खंबे लगा दिए गए हैं। उसके अलावा गुड़ा के इस वाले आउटर में, गुड़ा के प्लेटफॉर्म पे और गुड़ा का जो उस साइड वाला आउटर है, इन सभी जगह फाउंडेशन बना दिए गए हैं, बस यहाँ पे खंबे डालना बाकी है। और फिलहाल आ जाती है यहाँ जो इंडिया की हमारी पहली डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक बन रही है यार राजस्थान में गुड़ा के बीच में। तो ये तो निकल जाती है वो डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक जिसकी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रही है। इस पे तो खैर कभी ट्रेनें चलेंगी नहीं, केवल वो ट्रेनें चलेंगी जिनकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन हमारी कॉमर्शियल लाइन की बात करें अगर, तो यहाँ पे खंभे लगा दिए गए हैं गुड़ा के बाद, और इनको लगा के नीचे कंक्रीट में सेट करने का काम यहाँ किया जा रहा है वर्कर्स द्वारा। ये शुरुआती कुछ 2-4 खंबे सेट कर दिए गए हैं और वैसे ही इनको धीरे धीरे सेट करने का काम किया जा रहा है। आगे के सारे खंबे जो हैं अभी केवल डाल के छोड़ रखे हैं, इनको सेट करना बाकी है। अब बीच बीच में कुछ कुछ जगह पता नहीं यहाँ छोटी छोटी जगह बीच की क्यों छोड़ रखी है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई काम किया ही नहीं गया है, फाउंडेशन भी नहीं बनाए गए हैं। लेकिन आगे आप देख सकते हो पोल्स तो जो है वो लगा दिए गए हैं। और पोल्स का काम भी अभी प्रॉपरली नहीं है, पूरे कंटिन्यू नहीं लगाए गए हैं। बीच बीच में पोल्स जो हैं अभी भी टेढ़े हैं, मतलब इनको केवल फाउंडेशन में डाला है, सेट करना बाकी है। और यहाँ बीच में फिर कुछ दूरी के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई कार्य नहीं किया गया है। अब ये जगह कितनी लंबी है इस बात का अंदाज़ा आप इस वीडियो को देख के लगा सकते हो, क्योंकि वीडियो में जो है मैंने कट नहीं दिया है। आगे जब तक खंबे आएंगे ना तब तक की मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, तो आप इसको देखिए। अब यहाँ फाउंडेशन और खंबे दोनों ही लगा दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन खंबों को सीधा सेट करना बाकी है। जितने भी आपको ऐसे टेढ़े खंबे दिखे तो आप यही समझ जाना कि इनको अभी केवल फाउंडेशन में डाला है हाल ही में, इनको सीधा सेट करना बाकी है। पर सीन देख के तो यही लग रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की गति जो है काफ़ी अच्छी पकड़ी है इस सेक्शन पे। लगभग दोनों लाइनों का काम इस पे धीरे धीरे साथ में आता जा रहा है। यहाँ पे पुरानी वाली लाइन के साथ साथ ही नई वाली लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य साथ में ही लाया जा रहा है, पोल्स जल्दी जल्दी लगाए जा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है मेंडा ब्रिज, जो कि काफ़ी बड़ा एक आयरन ब्रिज है। इस मेंडा ब्रिज पे अभी कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम नहीं किया गया है। मेंडा ब्रिज है पूरा ये, तो यहाँ पे जो है नीचे ब्रैकेट्स लगा के इसमें पोल्स को जो है स्क्रू और बोल्ट्स एंड नट्स की
सहायता से इस पे कसा जाएगा वो कार्य अभी करना बाकी है। ब्रिज का कार्य मैंने हमेशा सबसे आखिर में होता देखा है। लेकिन इसके बाद अब आ चुका है गोविंदी मारवाड़ स्टेशन का आउटर, क्योंकि गोविंदी मारवाड़ स्टेशन का जो होम सिग्नल है वो मेंढा ब्रिज से जस्ट पहले ही आ जाता है। तो इस आउटर में केवल और केवल अभी फाउंडेशन ही बने हुए हैं, और गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे भी अभी केवल फाउंडेशन बनाए गए हैं, और कुछ भी खंभे डालने का काम गोविंदी मारवाड़ स्टेशन पे नहीं किया गया है। बस मेरी तरफ से इतनी थी इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। अब मैं आपको गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी तक की डबलिंग अपडेट देता हूँ। 9 किलोमीटर का सेक्शन जो कि छोड़ा हुआ है, उसके बाद नावा सिटी से और कुचामन तक का तो अगले महीने जो है पूरा नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होना है, और फरवरी के एंड तक वहाँ भी डबल लाइन पे ट्रेनें चलना चालू हो जाएंगी। उसके बाद मैं उसकी भी अपडेट दिया करूँगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम को पुरानी वाली लाइन की अपडेट लेके। तो वो अपडेट भी बिल्कुल ज़रूर देख लेना आप।